So in this video, we are going to do an honest review of Neck Pro Micronized Creatine Monohydrate after using it for 1 month. मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि 1 month तक नेक प्रो के क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को यूज़ करने से मेरी फिजिक में क्या क्या चेंजेस आए, यानी इसको यूज़ करने से मसल्स में वाटर रिटेंशन कितना हुआ, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर आता है क्रिएटिन को लेने से, मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है वो सब हुआ कि नहीं हुआ, और हाँ स्टेमिना के अंदर कैसा इंक्रीमेंट है, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, इन सब पर लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, हमने इसकी ऑथेंटिसिटी और सच्चाई को जानने के लिए इसका लैब टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, तो वही हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि पैकिंग पे लोगों ने जो जो बातें लिखी है वो हमारी लैब टेस्ट से मैच करती है कि नहीं करती है इस वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट आवर बजट एनालिसिस, यानी अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है ना, ₹1000 लेकर ₹2000 तक, तब क्या आपको नेक प्रो के क्रिएटिन में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, विल बी वर्थ योर मनी और नॉट, ये भी जानेंगे। सो अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो थ्री मित्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं अपलोड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। इन केस आप नेक प्रो के इस माइक्रोनेस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग। हमने यहाँ पे नेक प्रो क्रिएटिन की 250 ग्राम्स यानी 250 ग्राम की पैकिंग मंगाई थी, जिसे हम लोगों ने 1 month तक ट्राई किया है और उसका लैब टेस्ट भी करवाया है, तुम लोग जानते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ आवर रिव्यू, विच इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, यानी इनकी एक सिंगल पैकिंग के अंदर हमें कितने स्कूप ऑफ क्रिएटिन देखने मिल जाएगा। हियर नेक प्रो वालों की एक पैकिंग जो कि 250 ग्राम की है, उसमें हमें 62 स्कूप्स देखने मिल जा रहे हैं, विच इज जस्ट फैबुलस, यानी मोस्ट ब्रांड्स 250 ग्राम में अप टू 50 तक ही देता है, ये लोग 12 स्कूप ज्यादा दे रहे हैं। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप साइज, यानी जो स्कूप प्रोवाइड किया है वो कितने ग्राम का है। हियर नेक प्रो वालों ने हमें 4 ग्राम का स्कूप प्रोवाइड किया है, विच इज एवरेज इन द मार्केट। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार का क्रिएटिन शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ क्रिएटिन पाउडर यूज करना है। सो हियर नेक प्रो वालों ने हमें सिंगल स्कूप की सर्विंग प्रोवाइड किया है, विच इज द स्टैंडर्ड लेवल फॉर क्रिएटिन। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सर्विंग इन ग्राम, यानी एक बार की सर्विंग में हम लोग एक्चुअली कितने ग्राम ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे बॉडी पे काम करेगा। सो हियर नेक प्रो वालों ने 4 ग्राम की सर्विंग प्रोवाइड किया है, विच इज एवरेज इन द मार्केट। हियर कम्स द प्राइम मैट्रिक्स ऑफ दिस रिव्यू, विच इज क्रिएटिन परसेंटेज, जिसके लिए पूरा का पूरा रिव्यू हुआ है, यानी इन्होंने जो हमें क्रिएटिन प्रोवाइड किया है क्या वो 100% क्रिएटिन ही है या फिर इसके अंदर कोई फॉरेन केमिकल मिला दिया गया है और 80-20 वाला गंदा मिक्सचर यूज़ किया अपने प्राइस को कम करने, जिससे इसकी क्वालिटी एंड कंटेंट कम हो जाता है और हमारी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हियर इनकी पैकिंग पे तो लिखा हुआ है कि दे आर 100% नेचुरल क्रिएटिन, और ये चीज़ इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी डाल दिया है, बट हम लोग उसे बिलीव नहीं करेंगे भाई, हम लोग बिलीव करेंगे हमारे लैब टेस्ट के ऊपर। सो हमारे लैब टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर न तो हमें कोई फॉरेन केमिकल देखने मिला है, ना ही कोई फॉरेन सब्सटेंस देखने मिला है, हेंस इट इज 100% प्योर क्रिएटिन, तो भाई बिना किसी टेंशन के इसको ले सकते हो ना। हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर 2-4 क्वेश्चंस आए थे, उनका आंसर कर देता हूँ। पहला, क्रिएटिन कैसे लेना है, तो भाई आप 1 ग्लास पानी के अंदर यानी 200 ml पानी के अंदर क्रिएटिन को घोल के ले लो। दूसरा था कब लेना है, तो भाई आप वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले ले लो क्या, तो या फिर वर्कआउट करने के 30 मिनट बाद के विंडो में ले लेना, इससे क्या क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपल। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज GMO फ्री, तो ये वाला क्रिएटिन जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, एज जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस खा के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हम उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं। हियर इनकी पैकिंग पे तो साफ साफ लिखा हुआ है तो दे आर GMO फ्री, और ये चीज़ हमारे लैब टेस्ट में भी 100% ट्रू पाई गई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है ग्लूटेन फ्री, कहीं इस क्रिएटिन के अंदर ग्लूटेन तो एडिड नहीं है ना, एज हमारी हेल्थ को खराब करता है। सो हियर इनकी पैकिंग पे तो लिखा हुआ है दे आर ग्लूटेन फ्री, और ये चीज़ हमारे लैब टेस्ट में भी ट्रू पाई गई है, एज इसके अंदर में कोई भी एडिशनल सब्सटेंस या केमिकल दिखने नहीं मिला है। अब आती है आपकी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, विच इज हमारी बैंड सब्सटेंस फ्री, कहीं इस क्रिएटिन के अंदर कोई डोप या फिर परफॉर्मेंस एनहेंसर तो नहीं मिला है ना, जो इसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है और हमारी परफॉर्मेंस को खराब करता है, सो वो चेक करना जरूरी होता है। सो ही इनकी पैकिंग पे तो लिखा हुआ है दे आर बैंड सब्सटेंस फ्री, और ये चीज़ हमें लैब टेस्ट में भी 100% ट्रू पाई गई है, इसके अंदर हमें कोई भी फॉरेन केमिकल दिखने नहीं मिला है। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज हैवी मेटल्स फ्री, कहीं इस क्रिएटिन के अंदर कोई लेड और आर्सेनिक जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल तो नहीं है ना, जो हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। सो इनकी पैकिंग पे हमें इंफॉर्मेशन देखने नहीं मिलती, बट थैंक्स टू आवर लैब टेस्ट रिपोर्ट ये सारे के सारे ही सेफ लिमिट से भी नीचे हैं, सो
इट्स कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम। सो अब हम परफॉर्म करते हैं आपकी हमारी सबकी फेवरेट मैट्रिक्स यानी हमारी कॉस्ट पर स्कूप की कैलकुलेशन, मतलब एक स्कूप ऑफ नेक प्रो क्रिएटिन खाने में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर दिस कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला यूज किया है करंट प्राइस ऑफ द क्रिएटिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, जहां हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। अभी करेंटली नेक प्रो का प्राइस चल रहा है ₹649 ओनली। आवर सेकेंड वेरिएबल इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, अभी करेंटली इसके अंदर में 62 स्कूप्स की सर्विंग देखने मिल जाती है। देयरफॉर हमारा कॉस्ट पर स्कूप इन द केस ऑफ नेक प्रो क्रिएटिन ₹10 ओनली। इन केस आप नेक प्रो के माइक्रोनेस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो अब हम परफॉर्म करते हैं हमारा बजट एनालिसिस, यानी अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है ना ₹1000 से लेकर ₹2000 तक, या फिर आपका बजट चला मीडियम टू हाई यानी ₹2000 प्लस, तब क्या आपको नेक प्रो के क्रिएटिन में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, विल बी वर्थ योर मनी और नॉट। हियर नेक प्रो के क्रिएटिन का कॉस्ट पर स्कूप आया है ₹10 ओनली, विच मेक्स इज अ सुपर बजट फ्रेंडली, यानी अगर आप एक स्टूडेंट हो आपका बजट लो टू मीडियम भी चलता है ना तब भी आप इसे बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बात थी अफोर्डेबिलिटी की। नाउ बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो भाई हमने देखा हमारी लैपटॉप के अंदर ना तो इसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, उसमें क्रिएटिन परसेंटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो 100% के आसपास आया है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी बढ़िया मटीरियल है। सो इसी बात पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग नेक प्रो क्रिएटिन फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ के टाइम स्पेन में इसने मेरी फिजिक के अंदर अच्छी खासी चेंजेस लेके आए। सबसे पहले बात करते हैं वाटर रिटेंशन की, तो वाटर रिटेंशन काफ़ी अच्छे से हुआ है, जिससे कि मेरे मसल्स के अंदर डेफिनेशन कर्व एंड इंक्रीज इन साइज यानी मसल हाइपरट्रॉफी भी हुई है, और इनके वजह से मेरी वर्कआउट कैपेसिटी में क्या चेंज हुआ, सबसे पहली बात स्टेमिना में थोड़ा इंक्रीज देखने मिल रहा है, बट सबसे ज़्यादा मेजर इंक्रीमेंट मुझे देखने मिला है मेरे वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी के अंदर। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, जैसे कि बाकी बढ़िया क्वालिटी के ब्रांड्स होते हैं, प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, सेम टू सेम वैसा ही इसने अपने नाम पे खरा उतरा है। सो ऑल इन ऑल अगर बात करूँ उसको रेटिंग देने की, तब आई वुड रेट इट 9 out of 10, दैट्स ऑल। नाउ अलाउ मी टू शेयर विथ यू माई पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन, जो मैं मेरे फर्स्ट डे ऑफ जिम से लेके आज तक लेता आ रहा हूँ, माने मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन है एज इट इज़ का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। नाउ इनका जैसा नाम है वैसा ही काम है, एज इट इज़, यानी जितनी बार भी मैं इनका लैब टेस्ट करवाता हूँ उतनी बार ये लोग 100% प्योर एंड ट्रूथवर्दी ऑनेस्ट निकल के आते हैं। सो और क्या चाहिए। सो इन केस आपको एज इट इज़ के क्रिएटिन को भी ट्राई करना हो तो मैंने उसे भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपके स्किन के ऊपर बेस्ट क्रिएटिन की प्लेलिस्ट चल रही होगी वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना, आई विल ट्राई टू।